नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द विशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं चैट जीपीटी का सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से और क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आपको पता होगा कि जैसे जैसे मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ। चाहे वो वॉचेस में हो, कैमराज में हो, सीडी डीवीडी, ये सारी चीज़ें रिप्लेस होती गई धीरे धीरे। तो आज हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी का सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत आसानी से हर कोई यूज़ कर पाएगा। इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन और आपका मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है। बस बहुत ईजिली आप एक्सेस कर पाओगे, यानी कि जो इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी वो आसान होगी। जब ये आसान होगी तो ये कन्वीनियंस होगा। हर एक इंसान किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए गूगल की तरह इसका भी यूज़ करेगा। किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो कहीं ना कहीं वो कन्वीनियंस तो होगा। जैसे जैसे चीज़ें कन्वीनियंस होती जाती हैं और आसानी से एक्सेसिबल होती है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती हैं अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ाने में। जब इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है आप समझिए, स्पीड को तेज करें, क्वालिटी को भी बढ़ाएं और कॉस्ट को कम करें। यहाँ पे होगा क्या कि जिस काम को करने के लिए 5 लोग 10 लोग लगते थे, जैसे मान लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रूफ रीडिंग में लोग लगते थे, कंटेंट बनाने में लोग लगते थे, तो कहीं ना कहीं चैटबॉट से वो काम हो जाएगा। इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी और कॉस्ट में कटिंग होगी। यानी कि जो जॉब है वो जाने वाली है बहुत सारे लोगों की इन एआई टूल्स की वजह से। यानी कि सोसाइटी में ये इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा और कंपनियां कहीं ना कहीं इस तरीके से करने वाली हैं, जॉब डिस्प्लेस होने वाली है। यानी कि जो काम 4 लोग मिलकर करते थे, उस काम को एक चैटबॉट, आप कह सकते हो कि चैट जीपीटी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर इंसान आगे बढ़ना चाहता है तो जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ उसको ग्रो करना पड़ेगा। अगर वो उसके साथ ग्रो नहीं करेगा तो बाकी लोगों की तरह पीछे होता जाएगा। नए लोग आएंगे जो इस टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, यूज़ करेंगे और दुनिया में तरक्की करेंगे, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली होगा और नए नए रास्ते भी खुलेंगे। इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। जैसे नए नए आपको एंटरप्रेन्योर दिखेंगे जो कि डिजिटल में काम करने वाले, डिजिटल एसेट्स में काम करेंगे, डिजिटली कोई बोर्ड्स तैयार करेंगे, अलग तरीके का एक जॉनर क्रिएट होने वाला है। तो इकोनॉमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा बल्कि ज़्यादा यूज़ की वजह से क्या होगा, इस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि जो लोगों की सोचने की क्षमता है ना, वो कम हो जाएगी। लोग इसको 100% सही मानेंगे, चाहे भले ही वो बायसनेस रिजल्ट भी क्यों ना दे। लोगों की सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। आज देखते हो कि हर कोई कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन आने से क्या हुआ है, हर कैलकुलेशन हमारी स्लो हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर छोटे सी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसका रिजल्ट लिख देते हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। इसी तरीके से हर चीज़ का आंसर आप सोचोगे कि चैट जीपीटी से निकाल लें, ये डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। आप बुक्स की तरफ नहीं जाओगे, डायरेक्ट उसी चीज़ पर सर्च करोगे, तो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कम होने वाली है। इसके अलावा ये बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन फैलाएगा। अब होगा क्या, बायसनेस रिजल्ट तो देगा, बायसनेस रिजल्ट की वजह से क्या होगा, मैंने एक अलग से सेक्शन आपको बता रखा है कि चैट जीपीटी का जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्या कमियां हैं, क्या क्या इथिकल इम्प्लीकेशन, उसमें मैंने आपको बताया है कि बायसनेस है, डिस्क्रिमिनेशन फैलेगा, जो लोग इसके बारे में नहीं जान पाएंगे कहीं ना कहीं लोग उससे घृणा करेंगे, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन भी फैलने वाला है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आती है, आपने देखा टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हुआ, फिल्टर्स इंस्टाग्राम में आए, लोग जो थे अपने आप को अपने ग्लो दिखाते हैं कि हाँ मेरी जो तस्वीर है वो बहुत अच्छी है। लोग जो लोग सांवले होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, समाज सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, तो इससे भी डिस्क्रिमिनेशन आने वाला है हर चीज़ में। ह्यूमन इंट्रैक्शन जो है वो कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के साथ होने वाला है, इंसान कटता चला जाता है। मोबाइल फ़ोन आने की वजह से क्या हुआ, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करना पसंद नहीं करता, चैट करता है। इस तरह से क्या होगा, जो इंसान का इंट्रैक्शन है ना, वो आप चैटबॉट के साथ होने वाला है, दूसरे इंसान के साथ कम होता जाएगा। तो ह्यूमन इंट्रैक्शन बढ़ने वाला है आने वाले समय में, आप देखोगे वो भी चैटबॉट के साथ। एडुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। क्या होगा, जो भी कॉन्टेंट होंगे वो स्मार्ट होते चले जाएंगे, ऑटोमेटिक जो ग्रेड सिस्टम है वो हो जाएगा। कैंपस रिक्रूटमेंट्स के लिए कम्प्लीटली चैटबॉट ही वो काम को कर देगा। बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग को पर्सनलाइज बना देगा। तो एजुकेशन में तो बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है
आने वाले समय में टीचर्स के जॉब पे भी खतरा है एक तरीके से, क्योंकि चैट जीपीटी क्या करने वाला है, उन सारे कामों को आसान कर देगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है ये चैट जीपीटी। कहीं ना कहीं लोगों को टास्क असाइन करने में, उनको ट्रैक करने में, उनकी ग्रोथ में, हर एक चीज़ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे बदलाव आता नजर आएगा। प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर के खतरा बना रहेगा, क्योंकि चैट जीपीटी आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पूरी हैबिट, आप पूरे के पूरे डिपेंडेंट होने वाले हो, हर एक चीज़ आप इससे पूछोगे, जानने की कोशिश करोगे, तो इसका जो डेटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहा है, और जो भी कंपनी इसको स्टोर कर रही है आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी उसके हाथ में, तो कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ता जाएगा। रेगुलेशंस इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड पॉलिसीज रेगुलेशन सेट करना पड़ेगा। अगर समाज और सोसाइटी में हम रेगुलेशन सेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्राइम्स को भी बढ़ावा मिल सकता है इस चीज़ों से, क्योंकि लोग उस एडुकेशन का गलत इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये सारे सोशल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलने वाला है चैट जीपीटी की वजह से। और कहीं ना कहीं क्या हुआ, लोगों का जो विश्वास है वो इस पर ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि लोग इसको ज़्यादा ऑथेंटिसिटी मानेंगे, लोग इसी पे डिपेंडेंट होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, समाज के लिए एक खतरा है। हमें उतना ही यूज़ करना है जहाँ पे हमें इफिशियंसी बढ़ानी है, इसका यूज़ करके नई चीज़ों को डेवलप करने में किया जा सकता है, वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, नए इकोनॉमिक जोन क्रिएट होंगे, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड भी बहुत सारे हैं इसका, नेगेटिव साइड भी। रूल्स रेगुलेशन सेट करना पड़ेगा कि कितना और कहाँ तक इसको ट्रेन किया जाए। सो आई होप कि ये सारी बातें आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी कि चैट जीपीटी का हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।